शुक्रवार 12 जुलाई को देर शाम को जयपुर में राजपूत समाज के दो संगठनों में खूनी जंग हुई। दोनों संगठनों की ओर से एक दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए गए। फायरिंग हुई लेकिन फायर किस संगठन की तरफ से हुआ इसकी जांच की जा रही है। देर रात को ये झगड़ा जयपुर के चित्रकूट इलाके में हुआ जहां राष्ट्रीय कर्णी सेना का कार्यालय है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं दनगरी न्यूज। दरअसल राष्ट्रीय कर्णी सेना के कार्यालय पर राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और उनके साथी पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। बता दें, राष्ट्रीय कर्णी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत हैं, जबकि राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना है। बताया जा रहा है राजपूत समाज के कुछ आगमी कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से आयोजित कराने पर दोनों के बीच चर्चा होनी थी। इसी दौरान एक पक्ष इसके लिए राजी नहीं हुआ। समाज के दो संगठनों के प्रतिनिधि और उनके समर्थक एकमत नहीं हुए तो दोनों में विवाद हो गया। झड़प के दौरान महिपाल सिंह मकराना को सिर में चोट लगी। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई लेकिन फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि शिव सिंह शेखावत का कहना है कि उनके ऊपर फायर किया गया जो कि मिस हो गया। इसके बाद उनके समर्थकों ने फायरिंग करने वाले समर्थक और महिपाल सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर समाज के कई लोग एकत्रित हुए। सूचना मिलने पर चित्रकूट पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है फायरिंग की घटना हुई या नहीं इसके लिए शिव सिंह शेखावत के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दनगरी न्यूज। शुक्रिया।